हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूँ मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आया हूँ उसका नाम है कंपटीशन एक्ट 2002। इसका हमारा केस लॉज पेंडिंग था और आज मैं इसका फाइनल वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत ही अटपटे से केस लॉज हैं, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे एक्ट से रिलेटेड हैं उन सबको हर केस लॉ में से निकालूं कि ये जो केस लॉ है वो किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डेल्ट करता है और उसका सॉल्यूशन आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं और बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से हम रिवाइज कर सकें। तो आइए पहले केस लॉ से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला हमारे पास आता है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड वर्सेज एंड अदर्स वर्सेज सीसीआई एंड अनदर। इस केस लॉ में कुछ क्वेश्चन हैं जो डेल्ट किए गए। इस केस लॉ में जो क्वेश्चन डेल्ट किए गए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो डेल्ट किया गया वो ये डेल्ट किया गया, क्या सीसीआई जो होता है, जो वेदर द सीसीआई इज अ ट्राइब्यूनल एक्सरसाइजिंग द जुडिशियल फंक्शंस, मतलब जो सीसीआई होता है जो वो फंक्शंस करता है, ठीक है, क्या वो जुडिशियल फंक्शंस होते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन जो इसके अंदर आया, वेदर द कंपोजिशन ऑफ सीसीआई इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन एंड पावर्स। थर्ड क्वेश्चन इज वेदर द रिवॉल्विंग डोर प्रैक्टिस एट द सीसीआई विशिएट्स एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एंड मोर स्पेसिफिकली इफ द मैनर फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड द फोर्थ वन इज वेदर इट इज इलीगल टू एक्सपेंड द सीसीआई स्कोप ऑफ इंक्वायरी। इन सबके जवाब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कहता है क्या सीसीआई का जो ट्रिब्यूनल है, जो सीसीआई इज अ ट्रिब्यूनल है, वो जो एक्सरसाइज करता है जुडिशियल फंक्शंस। तो सिंपल सी बात है, जो ये एक्सरसाइज करता है सीसीआई, वो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस होते हैं जो वो करता है। कौन से क्वासी जुडिशियल फंक्शंस होता है जो वो करता है, आप इसके आगे सॉल्यूशन लिख दीजिए। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये केस लॉ पर्टिकुलरली किस चीज से टैकल करता है, लेकिन मैं इन सबके आंसर्स आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं। सेकंड पॉइंट हमसे बोला गया कि जो कंपोजिशन है सीसीआई का, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अराइज होते हैं, लेकिन हमेशा कोर्ट यही फैसला देता है कि जो सीसीआई का कंपोजिशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो यहां पर भी यही फैसला दिया गया कि नहीं, वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर बोला गया कि क्या जो डिसीजन मेकिंग की पावर दे रखी है या जो मैनर है डिसाइड करने का डिसीजन मेकिंग का सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 3 में एक्ट में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप सबको इसका जवाब पता है नो, इसका भी जवाब नो था, ऊपर का भी नीचे का भी नो था, यही जवाब दिया कोर्ट ने भी। लास्ट, क्या सीसीआई अपने स्कोप ऑफ इंक्वायरी को बढ़ा सकता है। बिल्कुल बढ़ा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन द मैटर, वो अपने उसको बढ़ा सकता है स्कोप को। तो इसका जवाब यस दिया गया। अच्छा, अब ये केस लॉ स्पेसिफिकली किस चीज़ से डील करता है मैं आपको बता दूं। इस केस लॉ के अंदर जो क्वेश्चन अराइज हुआ था ना बच्चों, इस केस लॉ के अंदर क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि इट इज़ अबाउट द वॉयलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट। सेक्शन नंबर 4 के बारे में का भी वॉयलेशन इसके अंदर बोला गया था कि क्या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन है। और इसके अंदर बोला गया कि जब इन दोनों चीज़ की इंक्वायरी कर रहा होगा हमारा सीसीआई, तो क्या वो स्कोप ऑफ इंक्वायरी को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर यही बोला गया कोर्ट के द्वारा कि यस, वो अपनी स्कोप ऑफ इंक्वायरी को बढ़ा सकता है। एंड द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट द सीसीआई इज वेल विदिन दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट द सीसीआई इज वेल विदिन द पावर टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द इंक्वायरी। तो जब भी वो सेक्शन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 4 की इंक्वायरी कर रहा होता है, तो यस, सीसीआई के पास ये पावर होती है कि वो अपने स्कोप को बढ़ा सके और उससे टैकल कर सके। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस लॉ खत्म होता है। सेकंड केस लॉ पे आते हैं। सेकंड केस लॉ जो है वो डील करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस मैसर्स फास्ट वे ट्रांसमिशन। क्या इसके अंदर जो क्वेश्चन अराइज हुआ था वो ये अराइज हुआ था कि क्या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन जो है थ्रू द डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस कैन ओनली बी फॉर द कॉम्पिटिटर्स और इट अप्लाई फॉर द नॉन कॉम्पिटिटर ऑल्सो। मतलब अगर आपने किसी को डिनाइल ऑफ मार्केट दिया है, मतलब किसी को उस मार्केट में जाके काम करने से रोका गया है, और इस तरीके से आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहे हो, तो क्या ये सिर्फ कॉम्पिटिटर्स के लिए एप्लीकेबल है या उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जो नॉन कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इसका जवाब देते हुए बहुत ही आसान सा सुशील सा जवाब इसके अंदर दिया गया, और उसका जवाब जो दिया गया मैं आपको रीड करवा देता हूं कहां पर लिखा हुआ है। बहुत ही इजी जवाब दिया गया, और वो दिया ये गया, मैं आपको बताऊं, लास्ट में बोला गया कि एक बार अगर ऐसा कथित हो जाए कि ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, कि एक बार अगर ऐसा हो जाए कि ये अब्यूज, वंस द डोमिनेंस इज मेड आउट इट बिकम्स इररिलेवेंट वेदर द पार्टीज आर कॉम्पिटिटर्स और नॉट। मतलब अगर एक बार पता चल जाए कि डोमिनेंस है और उसका अब्यूज किया जा रहा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस एक्टिविटी से कॉम्पिटिटर्स को फर्क पड़ रहा है या नॉन कॉम्पिटिटर्स को फर्क पड़ रहा है। मतलब अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हों या ना हो, अगर उस आपके अब्यूज करने की वजह से, आपके डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने की वजह से उन लोगों को फर्क पड़ रहा है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दे आर योर कॉम्पिटिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटर्स, यहां पर आपको सीसीआई रोक सकता है और ऐसे एग्रीमेंट्स को रोका जा सकता है, और बिल्कुल आपको डिनाइल किया जा सकता है कि बेटा जो तुम कर रहे हो वो गलत है, और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है जो भी बंदा अब्यूज कर रहा होगा अपनी डोमिनेंट पोजीशन को। ठीक है, दैट्स इट। ये था हमारा सेकंड केस लॉ। थर्ड केस लॉ बात करता है राजस्थान सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो क्वेश्चन टैकल किया गया मैं आपको बता दूं, इसके अंदर क्वेश्चन ये लिया गया कि अगर एंटरप्राइज जो है, कंपनी जो है, वो वॉयलेशन कर रही है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का, क्या माना जाएगा वॉयलेशन अगर हमारी जो मार्केट कंडीशन है वो खुद ही themselves नॉट हेल्पिंग, कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पिंग, तो नॉट हेल्पिंग टू अ कॉम्पिटेटिव मार्केट, क्या वो फिर भी माना जाएगा वॉयलेशन।
तो इसके अंदर हमारा जो जवाब क्वेश्चन अराइज हुआ था वो यही अराइज हुआ था, क्या कोई एंटरप्राइज जो है क्या एंटरप्राइज जो है माना जाएगा वॉलेटिव अगर उसने अगर कोई मार्केट कंडीशंस ही हेल्पफुल नहीं होगी कॉम्पिटेटिव मार्केट के लिए। तो इसके अंदर जवाब भी यही दिया गया था, नहीं ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपका कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा अगर वो मार्केट अगर मार्केट ही आपकी हेल्प नहीं कर रही, मतलब देर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल मैन, मतलब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो मार्केट जब हेल्पफुल ही नहीं है कॉम्पिटिशन के लिए तो कहीं से भी कॉन्ट्रावेंशन किस प्रकार से हो सकता है, किस तरीके से आप कह सकते हो कि वॉयलेशन हुआ है कॉम्पिटिशन एक्ट का अगर मार्केट ही हेल्पफुल नहीं है कॉम्पिटेटिव मार्केट के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिशन के लिए या कॉम्पिटेटिव मार्केट ही नहीं है तो किस तरीके से आपका कॉम्पिटिशन एक्ट का वॉयलेशन हो सकता है। तो इसके अंदर भी यही जवाब दिया गया था। वैसे ये केस लॉ जो है एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह से रिलेटेड था, तो इसके अंदर यही कंक्लूजन दिया गया था कि नहीं जब उसके उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है या उससे कॉम्पिटेटिव ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता कि कॉम्पिटिशन एक्ट का कोई वॉयलेशन हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला केस लॉ जो आता है वो आता है उमर जावेद एंड गूगल LLC का। इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज बहुत इसके अंदर जो क्वेश्चन अराइज हुआ था मैं आपको बता दूं, इसके अंदर क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि क्या गूगल जो है जो गूगल है वो अपने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ करता है बाय कोअर्सिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर्स टू परचेज GSM सूट्स। मतलब क्या जो गूगल है वो अपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ करता है अपने मैन्युफैक्चरर्स को ये बोल के कि आपको परचेज करना पड़ेगा GSM सूट्स। तो इसका आंसर ये दिया गया था येस, जो गूगल है वो अपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ करता है। और वो किस इसके अंदर अगर आप सेक्शन नंबर 4 पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 4 में ये बोला गया है, वाइल रीडिंग द सेक्शन नंबर 4 विद सेक्शन नंबर 32 ऑफ द एक्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कंडक्ट ऑफ गूगल टू टाई और बंडल एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज इज एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट द इफेक्टिव कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मार्केट। तो जब आप जबरदस्ती करते हो अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ कि आपको GSM सूट्स लेने पड़ेंगे और उसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा, तो इसका मतलब तो यह आपका अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। तो अगर फिफ्थ पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, एक बार मैं रीड कर देता हूं, वाइल रीडिंग द सेक्शन नंबर 4 विद सेक्शन नंबर 32 ऑफ द एक्ट सेक्शन नंबर 4 डील्स विद जो हमारा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कंडक्ट ऑफ गूगल टू टाई और बंडल एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज इज एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट द इफेक्टिव कॉम्पिटिशन इन द मार्केट फ्रॉम द मार्केट। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट और ऑफ कॉर्शन एज द डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स आर कोर्स टू परचेज GMS सूट ऑल टुगेदर विच रिजल्ट्स इन कंज्यूमर हार्म थ्रू रिडक्शन ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कोई कंज्यूमर के पास चॉइस ही नहीं रही कि कुछ उसे कुछ और मिलेगा, क्योंकि जब आपने मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दी तो वो उसको यूज करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर आप अपने डोमिनेंट पोजीशन का होने का अब्यूज दे रहे हो, ठीक है। वैसे ये हमारे एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ये केस लॉ बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक था और ये कहीं से भी एक्ट से मिलता जुलता नहीं होता, ठीक है। मतलब मिलता जुलता इन सेंस कि एक्ट से कहीं पर भी ये घुल मिल नहीं सकता, ऐसे स्पेसिफिक जो होते हैं ना केस लॉज आने के चांसेस बड़े कम रहते हैं, ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक LLP एंड एशिया स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। इस केस लॉ में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं, इस केस लॉ में बहुत ही अच्छा केस लॉ है, इसको स्टार मार्क करिएगा। इसके अंदर बोला गया था अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ MRI मशीन्स। मतलब MRI मशीन्स के थ्रू क्या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट मार्केट की जा सकती है, ऐसा इस कंपनी के अगेंस्ट में बोला गया था, या फिर टाइटलिंग ऑफ द MRI मशीन इन द मार्केट। मतलब जब आप करते हो तो इसकी वजह से ऐसा माना जा सकता है क्या, ठीक है। देखो इसको इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करवाया मैंने क्योंकि ये केस लॉ जो था स्पेसिफिकली, ये भी स्पेसिफिक ही है बट इसको इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करवाया कि इसके अंदर ना ये बोला गया था कि जो हमारा डायरेक्टर जनरल होता है, जो डायरेक्टर जनरल होता है ना वो कुछ और कंक्लूजन दे रहा है इस केस लॉ में, और उसने ऐसा बोला कि जो MRI मशीन की मार्केट है उसकी अगर हम रेलिवेंट मार्केट देखें, तो इस जो कंपनी ने जो है वॉयलेशन कर रखा है, अब्यूज कर रखा है अपनी पावर को, ठीक है, अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को, ऐसा कह लो अब्यूज कर रखा है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, जब ये पंगा CCI के पास गया तो मतलब क्या होता है, DG अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, CCI के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे थे कि ये जो CCI के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे थे कि ये अब्यूज है। लेकिन जब ये मुद्दा जो है देखा गया चेयरपर्सन के द्वारा CCI के, उसने ये बोला कि डोमिनेंट पोजीशन नहीं है, कोई का अब्यूज नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेंबर्स के मानने के बाद भी चेयर, अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स मान भी गए तो भी अगर चेयरपर्सन मुकर जाता है तो ऐसा माना जा सकता है कि वो हमारा ऐसा स्थगित हो सकता है, वो मतलब वो मुद्दा खत्म हो सकता है, ठीक है। तो मतलब DG की रिपोर्ट ने तो ऐसा बोला कि यस डोमिनेंट पोजीशन है MRI की मशीन्स की मार्केट में, ठीक है। लेकिन उसके बाद मामला गया CCI के पास, CCI के भी जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स थे उन्होंने यही बोला कि यस है और पेनल्टी लगा दी। लेकिन डिसेंटिंग ओपिनियन दिया गया चेयरपर्सन के द्वारा और यहां से देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डोमिनेंस और एबिनेंस, और उसने लास्ट यही बोला कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन, ठीक है।
आप पढ़ना हो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि क्यों क्या था, ऐसा क्या था। फिलहाल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट यह है कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह याद रखना है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स के फैसला देने के बाद भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स के ने फैसला दिया लेकिन फिर भी अगर चेयरपर्सन बदलता है तो क्या फैसला बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। और या फिर किसी एक क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो आप वहां पर इसको रेफरेंस कर सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने दिया था इस केस में भी लेकिन चेयरपर्सन ने डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। इसके बाद अगला केस लॉ जो हमारे पास आता है वो आता है एंटी कॉम्पिटेटिव कंडक्ट इन द ड्राई सेल बैटरीज मार्केट इन इंडिया। अच्छा ये भी केस लॉ अच्छा था। इस केस लॉ में क्वेश्चन जो अराइज हुआ था मैं आपको बता दूं, यहां पर हुआ था कि दो कॉम्पिटिटर्स ने एग्री कर लिया था कि एक बंदा जो है वो प्रोड्यूस करेगा और दूसरा बंदा जो है वो बैटरीज को बेचेगा, ठीक है, अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम, ठीक है। तो क्या इसको हम एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट बोलेंगे? तो यहां पर कंक्लूजन भी यही दिया गया, सीसीआई ने कंक्लूजन यही दिया। अगर मैं लास्ट में आपको बताऊं तो सीसीआई ने यही कंक्लूजन दिया था कि सीसीआई फाउंड दैट पैनासोनिक, एक कंपनी पैनासोनिक थी और दूसरी निप्पो थी और तीसरी एवरेडी थी, इन सबको गिल्टी ऑफ कंडक्ट माना गया था कि इन्होंने आपस में कार्टेल बना रखा है और इसे एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट मान के उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज करी गई थी। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि क्या दो कॉम्पिटिटर्स आपस में अगर एग्रीमेंट करते हैं कि मैं प्रोड्यूस करूंगा और तू बेचेगा तो यहां पर कॉम्पिटिशन खत्म हो रहा है? बिल्कुल खत्म हो रहा है यार, लॉजिकली सोचो ना, आपस में अगर दो कॉम्पिटिटर्स की मिली भगत हो जाती है तो कॉम्पिटिशन इफेक्ट होता है और अल्टीमेटली कंज्यूमर का नुकसान होता है, तो इसे एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट माना जाएगा। लेमैन की लैंग्वेज में भी सोचे तो भी हम इसका जवाब लिख सकते थे, ठीक है। इसके बाद सेवंथ केस लॉ जो आता है वो आता है एफएक्स एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड ह्युंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड। इसमें क्या केस लॉ, इस क्वेश्चन क्या अराइज हुआ था इस केस लॉ में? ह्युंडई मोटर जो है वो एंटर करता है एग्रीमेंट विद द डीलर्स, अपने डीलर्स के साथ कि एक्सक्लूसिव सप्लाई करना है आपको, ठीक है, और उसके अलावा मिनिमम रीसेल प्राइस रखनी है आपको, इतनी मिनिमम रीसेल प्राइस रखनी है, एक्सक्लूसिव सप्लाई करनी है और उसके अलावा एक टाई इन एग्रीमेंट्स भी कि इसके साथ ये लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा करके ऐसा बोला जाता है। तो क्या वो सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट माना जाएगा? तो इसके अंदर वैसे तो एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट माना जाएगा लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर सीसीआई ने फैसला दिया, अब वो बंदा क्या किया, अपील में गया और सीसीआई ने फैसला देते टाइम ना बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया, दैट इज रेलिवेंट मार्केट को कंसिडर नहीं किया, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट को कंसिडर नहीं किया, रेगुलेटेड ज्योग्राफिक मार्केट को कंसीडर नहीं किया गया। तो यहां पर अल्टीमेटली एनसीएलटी ने जब वो अपील में गया तो एनसीएलटी ने क्या किया, मैं आपको बता देता हूं, एनसीएलटी ने सेट असाइड कर दिया सीसीआई का ऑर्डर, ऐसा बोलते हुए कि जो हमारा सीसीआई है, दैट इज कमिश्नर, जो हमारा सीसीआई है फेल्ड टू अप्रिशिएट द एविडेंस एंड इंपोज्ड ऑर्डर वर नॉट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एविडेंस। मतलब सीसीआई के पास कोई भी एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे उन्होंने दिया, क्योंकि उन्होंने बाकी की डेफिनेशंस को चेक ही नहीं किया, बाकी फैक्टर्स को कंसीडर ही नहीं किया बिफोर गिविंग द एविडेंस। जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, उस चैप्टर में हमने देखा था कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनको कंसीडर करना होता है बिफोर गिविंग द डिसीजन बाय द सीसीआई, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, मैंने आपको बताया भी हुआ है उस वीडियो में, तो वहां जाके आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर एनसीएलटी ने उसको सेट असाइड कर दिया था। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सीसीआई ने क्या किया था, बस ये था कि एक्सक्लूसिव सप्लाई के लिए या मिनिमम रीसेल प्राइस के लिए या टाइन एग्रीमेंट्स अगर ह्युंडई ने अपने डीलर्स के साथ कर रखा है तो उसे माना जा सकता है अगर वो एंटी कॉम्पिटेटिव है तो, ठीक है। तो फिलहाल देखो यार, ये बेसिक चीजें हैं, जो स्पेसिफिक केस लॉज होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स कहीं पर बने। यहाँ पर स्पेसिफिकली ये पूछा जा रहा है कि क्या उन लोगों ने कर रखा है, तो ऐसा ना आजकल जैसा पैटर्न हो गया है या 6D का जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक होकर पूछ लें, वो एक इन जनरल पूछते हैं कि लोकल, क्योंकि केस स्टडीज जो होती है ना वो इसी प्रकार से बनाई जाती है कि जनरली अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो किस तरीके से आप टैकल कर सकते हो, तो आप छोटे मोटे पॉइंट याद रख सकते हो, लेकिन जो स्पेसिफिकली उस केस लॉ के लिए डिफाइंड हुआ था, जैसे इस केस में ये बोला था कि एनसीएलटी ने सेट असाइड कर दिया था ऑर्डर, ये भी यूज किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली ऐसा मुद्दा होगा तभी, ठीक है। तो लेकिन आईसीआई का पैटर्न जो है वो आजकल ऐसा हो गया है कि वो इन जनरल वाली चीजें पूछना चाहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं, आपको आपका दिमाग वो हर चीज में टेस्ट करना चाहते हैं कि कहां क्या लग सकता है, ठीक है। अब यहां पर अगला जो केस लॉ आता है वो कहता है शमशेर कतारिया वर्सेस होंडा सील कार इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स। इस केस लॉ में क्या क्वेश्चन अराइज हुआ था, मैं आपको बता दूं, इस केस लॉ में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था, कंप्लेंट फाइल करी गई थी अगेंस्ट द वेरियस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स या फिर उन्हें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जिसको हम OEMs भी बोलते हैं, कि कंसर्न्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम इन द ओपन मार्केट। मतलब इसके अंदर जो बोला गया था वो ये बोला गया था कि OEM जो बोलते क्या OEM अब्यूज कर रहे हैं अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, तो यहां पर बहुत सिंपल सी चीज बोली गई थी बॉस, कि यहां पर अगर मैं आपको तो इट वॉज फाउंड दैट रेलेवेंट मार्केट वुड बी द मार्केट फॉर स्पेयर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। मतलब जो रेलेवेंट मार्केट होगी वो क्या होगी, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के। दूसरी बात, ईच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर डोमिनेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, हर ऑटोमोबाइल जो होगा वो अपने मार्केट के में डोमिनेंट होगा, ठीक है। तीसरा, मतलब जैसे BMW अपने में है या फिर फॉर एग्जांपल मर्सिडीज अपने में है और उनके स्पेयर पार्ट्स भी उनके हिसाब से उनकी रेलेवेंट मार्केट हो गई। अ कस्टमर हु परचेजेस अ कार कैन नॉट सब्स्टिट्यूट स्पेयर्स ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। मतलब इसके अंदर सिंपल सी बात हो गई ना यार, अगर मैं खरीदता हूं मर्सिडीज खरीदता हूं फॉर एग्जांपल, तो
अगर मैं मर्सिडीज खरीदता हूँ तो मैं स्पेयर पार्ट्स भी किसका लूंगा, मर्सिडीज का लूंगा, तो यहाँ पर मैं दूसरा भी नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये दिया गया था, तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ था, क्या वो डोमिनेंट पोजीशन रेज कर रहे हैं, ठीक है, अगर स्पेयर पार्ट्स फिट करवा के जबरदस्ती। तो यहाँ पर OEM को OEM यहाँ पर जवाब ये दिया गया था CCI के द्वारा, जो फैसला दिया था वो दिया था कि जो हमारे OEMs होते हैं वो वर अब्यूजिंग देयर डोमिनेंट पोजीशन, ईच OEM वर डायरेक्टेड टू फाइल अंडरटेकिंग विद इन द 60 days ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर अबाउट द कंप्लायंसेज टू सीज एंड डिसकंटिन्यू सच एंटी कॉम्पिटेटिव कंडक्ट्स। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर यह बात बोली गई थी कि OEM जो है एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, इनको रोका जाए और इसकी और रिपोर्ट भी सबमिट करे कि उन्होंने इन चीज़ों को रोक दिया है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ यही बोली गई थी कि जो हमारे कंप्लेंट फाइल करी गई थी किसके अगेंस्ट में, OEMs के अगेंस्ट में, कि वो रिस्ट्रिक्शन कर लगा रहे हैं किसके ऊपर, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स की मार्केट में, ठीक है, और वो कह रहे हैं हमारे वाले से खरीदो, हमारे वाले से खरीदो। तो क्या ये एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट है या ये अब्यूज ऑफ डोमेन पोजीशन? बिल्कुल है यार, गलत चीज है ना यहाँ पर। तो ये फैक्टर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इसका कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, OEM जो है डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहे हैं और उनको डायरेक्ट भी किया गया कि 60 डेज के अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आपने ऐसा करना बंद कर दिया है, ऐसा कमीशन ने उनके ऊपर बोला। अगला केस लॉ जो हमारे पास आता है वो आता है CCI वर्सेस भारतीय एयरटेल लिमिटेड। CCI वर्सेस भारतीय एयरटेल लिमिटेड में जो केस यहाँ पर पंगा हुआ था, मैं आपको बता दूँ, इशू ये हुआ था कि इसमें ये पूछा गया था कि क्या CCI के पास ज्यूरिडिक्शन है कि वो डील कर सके किसी मैटर में जिसमें ट्राई एक्ट जो है ऑलरेडी टैकल कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये बोला गया था कि अगर हमारा जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाले हो गए, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने देखा, या फॉर एग्जांपल ऐसे स्पेसिफिक एक्ट्स होते हैं किसी किसी के, तो स्पेसिफिक एक्ट्स में अगर कोई मुद्दा है तो क्या CCI उससे पहले देख सकता है, उसकी ज्यूरिडिक्शन में आता है? तो यहाँ पर ये जवाब दिया गया था कि एक बार अगर ट्राई देख लेगा, ट्राई का फैसला आ जाने दो, उसके बाद CCI जो है उसको चेक कर सकता है एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर यही बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि CCI जो है फॉलो ऑन रखे और CCI जो अपनी ज्यूरिडिक्शन एंटरटेन कर सकता है ओनली आफ्टर द प्रोसीडिंग्स अंडर द ट्राई एक्ट हैज बीन कंक्लूडेड। जिस दिन कंक्लूड हो जाएगी उसके बाद वो अपना, मतलब रिजेक्ट नहीं किया गया, सिर्फ सेट असाइड कर दिया गया और बोला गया कि आप जो है कर सकते हो, जब एक बार ट्राई एक्ट से फैसला आने दो उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला केस लो जो हमारे पास आया वो आया हर्षिता चावला वर्सेस व्हाट्सएप। हर्षिता चावला वर्सेस व्हाट्सएप के केस में ये हुआ था कि वो बोल रहा था कि जो फेसबुक और व्हाट्सएप होते हैं ना वो डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं सेक्शन नंबर 4 का। तो ऐसा बोला गया कि जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं वो लोग किसी के ऊपर कि कोई हमारा प्रोडक्ट ले या कुछ भी ले। तो अगर ऐसा जो कोई जबरदस्ती नहीं करी जा रही, मतलब ये फिलहाल पता क्या किया गया था उसके अंदर, ये बोला गया था जो व्हाट्सएप के अंदर फीचर आया था ना कि आप पेमेंट कर सकते हो, तो इसके अंदर उसी चीज के बारे में बात करी गई थी कि व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट करी जा रही है। तो यहां अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहे हैं वो लोग और बाकी की मार्केट को खाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या कॉम्पिटिशन मतलब ऐसा डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो लेकिन यहां पर यही फैसला दिया गया कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस तो तब होगा जब वो लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमारा ऐप तभी यूज कर सकते हो जब आप पेमेंट करोगे। तो ऐसा कुछ तो नहीं दिखा हमें, कहीं भी टाइड अप एग्रीमेंट नहीं दिखा हमें, कहीं पर भी ऐसा टाइंग अप प्रोडक्ट्स नहीं दिखा हमें, ऐसा भी नहीं दिखा कि कंज्यूमर को ऐसा कोई चॉइस ही नहीं दिया गया या रिस्ट्रिक्शन या वो लगा दिया मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो केस का तो इसका अल्टीमेटली कंक्लूजन ये हुआ कि केस को क्लोज कर दिया गया और कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी टाई अप एग्रीमेंट नहीं था। तो यहाँ यही फैसला बोला गया कि व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह जो होते हैं जिनमें भी व्हाट्सएप में फीचर्स आए हैं वो कहीं से भी डोमिनेंट पोजीशन इंक्रीज मतलब डोमिनेंट पोजीशन है बट वो अब्यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहीं से भी टाई अप वगैरह नहीं कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला केस लॉ आता है समीर अग्रवाल वर्सेस CCI एंड अदर्स, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या हुआ, टैक्सी ड्राइवर्स की बातें हैं, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं किस तरीके से आपको ओला और उबेर से समझा जाएगा। कहता है ओला और उबेर अपने ड्राइवर के साथ क्या सांठगांठ कर सकते हैं, मतलब पहले से एग्रीमेंट कर सकते हैं, ओरल एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या उनका ड्राइवर का आपस में, या फिर उनके जो ओला उबर्स के ड्राइवर्स होते हैं, मतलब देख ओला और उबर आपस में कर सकते हैं या उनके ड्राइवर्स आपस में पहले से सांठगांठ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कंपटीशन इफेक्ट हो रहा है। तो यहां पर जो केस लेके गया था ना उसको इतनी तगड़ी लताड़ पड़ी और उसको सीधा सीधा ये बोला गया कि जबरदस्ती का केस फाइल ना किया जाए, जबरदस्ती का केस फाइल ना किया जाए, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता इन दोनों के बीच में कि सांठगांठ हो, सब अपने हिसाब से कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और आपस में वो कॉम्पिटिशन करें, देर इज नो एविडेंस कि इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कार्टेल है या किसी भी तरीके का जो है वो कॉम्पिटिशन है। अगर एक दूसरे को देख के रंग बदल भी रहे, मतलब प्राइसेस चेंज भी कर रहे हैं या फिर अपने पॉलिसीज भी ला रहे हैं, दैट डजंट मीन कि इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रखा है या कार्टेलाइजेशन हो रखा है, अनलेस एंड अनटिल जब तक प्रूफ नहीं मिलता वो सारी फैक्टर्स को वो कंक्लूसिव नहीं करते कि हाँ इन दोनों के बीच में सांठगांठ हो रखी है। तो यहां पर यही चीज बोली गई और यहां पर बिल्कुल रिजेक्ट कर दी गई। आपको क्या लगता है एक्सेप्ट होगी? ऐसी नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करी गई, ठीक है। ऐसे तो फिर हर बंदा आपको बोलेगा, ऐसे तो कल को आप ये भी बोल सकते हो कि जियो और वोडाफोन की सांठगांठ है, क्यों? जियो ने अगर अपने प्राइस कम करे तो वोडाफोन ने कर दिया, तो आप बोलोगे नहीं नहीं यार इनकी तो सांठगांठ है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉम्पिटिशन का मार्केट के रूल्स है, इसके हिसाब से
फॉलो किया जा रहा है, जब तक फैक्टर्स नहीं दिखते कि हाँ भाई इन दोनों ने एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स कर रखे हैं या अब्यूज कर रहा है कोई बंदा डोमिनेंट पोजीशन का, तब तक सीसीआई आके बीच में पंगा नहीं करता। तो यही इसके अंदर बोला गया। लास्ट केस लॉ हमारा आया इसके अंदर बोला गया मॉन्सेंटो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सीसीआई, सबसे लास्ट केस लॉ और सबसे बेकार केस लॉ। क्या बोलना चाह रहे हैं कुछ इसके अंदर नहीं है, बस इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर क्लियर नहीं है। बस इसके अंदर ये बोला गया कि किसी एक कंपनी थी MMBL और उसके पास कोई पेटेंट, उसके पास पेटेंट राइट्स थे, लाइसेंसेस थे, और ऐसा उसके ऊपर एलिगेशन लगा गया कि वो बंदा जो है अनरीजनेबली हाई प्राइजेस फीस जो है चार्ज कर रहा है और डोमिनेंट पोजिशन क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसके पास लाइसेंस है किसी चीज़ का पेटेंट है। तो यहाँ पर कंक्लूजन जो दिया गया ना उसको आप रीड कर लेंगे तो फिर भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा, वैसे याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ एक बार चलो कंप्लीट हो जाए कहने को, ठीक है सारा कुछ। तो इसमें कंक्लूजन जो दिया गया कहता है जो ऑनरेबल जज थे हमारे अपहोल्डिंग द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सीसीआई एंड डिसरिगार्डिंग द रिट पिटीशन ऑफ द पिटीशनर held that an order surpassed by using the CCI below section number 26 of the Competition Act is an administrative order and consequently unless it miles found that the equal is bigoted, unreasonable and fails the Wednesbury test, so no interference would be warranted since the evaluate on deserves were impermissible on the time of the choice of the honorable judge. Consequently, the honorable judge avoided examining the deserves of the dispute. मतलब सिंपल सी बात है, उसने बोला उसके अंदर मना कर दिया गया था कि नहीं हमारा नहीं है, ठीक है जो भी dispute वगैरह था, जो भी हमारा dominant position वगैरह था वो नहीं है, वो patent act वगैरह के बारे में ऊपर बात लिखी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ डिजर्व होगा या आपको ऐसा कुछ लगता है तो। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, लीस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको डालूंगा और बिल्कुल अटपटा था। आप चाहे तो ऐसे होता नहीं है कि ICA ने फाइंड सर्च किया और वहां कॉम्पिटेटिव वर्ड दिखा, कॉम्पिटिशन एक्ट से रिलेटेड वर्ड दिखा, उन्होंने उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया, ये वो वाला क्वेश्चन में था, ठीक है। तो यहां पर हमारे सारे के सारे केस लॉस खत्म होते हैं ऑलरेडी, बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियो में डाल चुका हूं सेपरेटली, एक रह गया था और इसको भी मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड टेक केयर।